हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे ये वीक आपके लिए क्या लेके आया है टैरो के द्वारा। यहाँ आपके पास दो चॉइसेस हैं, आप इन दोनों में से एक चुन सकते हैं जिसके साथ आप कनेक्ट फील कर रहे हैं। फर्स्ट जिन्होंने ये चूज किया है उनके लिए देखते हैं कि क्या कार्ड्स आए हैं। एज ऑफ वंड्स, प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परस। काफी अच्छे कार्ड्स आए हैं आपको आपके लिए जिन्होंने ये चूज किया है। ये भी काफी कुछ लेके आया है आपके लिए और काफी खुशियां लेके आया है। एज ऑफ वंड्स, प्रोग्रेस, ग्रोथ, न्यू बिगनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटीज और फ्रेश एनर्जी को शो कर रहा है। आप अगर किसी भी फील्ड एरिया में देखें, चाहे आपका घर परिवार हो या आप स्टूडेंट हैं या आपका बिजनेस से रिलेट आपका कोई भी वर्क एरिया हो, चाहे आप बिजनेस करते हो या नौकरी करते हैं या आप स्टूडेंट हैं या हाउसवाइफ हैं, कुछ भी करते हैं, इस बार आपको कुछ अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे और वो भी इस वीक की शुरुआत से ही मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। जो काफ़ी आपको, जैसे आप अगर बिजनेस करते हैं तो उसमें काफ़ी आपकी ग्रोथ दिखेगी, आपको काफ़ी प्रोग्रेस दिखेगी। अगर स्टूडेंट हैं तो आपको इस वीक के स्टार्टिंग से ही अच्छे रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। और वहीं आपने जिन चीज़ों को लेकर अभी तक मेहनत की है, यहाँ भी प्रिंसेस ऑफ सॉर्ट्स, उनके लिए आपको कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं। अगर आप स्पेशली बिजनेस में हैं तो बिजनेस एरिया वाले लोगों के लिए जो बिजनेस से रिलेट करते हैं किसी भी तरीके से, उनको नए कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं। और कुछ लोन्स वगैरह अगर आपने अप्लाई किए हैं तो उसमें आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे इस बार, और आप उन चीज़ों को जैसे आप चाह रहे थे वैसे ही पूरा कर पाएंगे। वहीं आप अगर फैमिली में भी कुछ ऐसा प्लान कर रहे थे, जो न्यू घर, न्यू हाउस या ऐसा कुछ नया प्लॉट वगैरह लेने का सोच रहे थे, या ऐसी कोई नई चीज़ को आप सोच रहे थे कि आप ले पाएं, तो उसके लिए आपके पास फाइनेंसेस भी होंगे और आपका मूड भी काफ़ी इस बार अच्छा रहने वाला है। काफ़ी जिसे कहते हैं आप वर्क एरिया में भी बहुत अच्छा प्रोग्रेस करेंगे। वहीं आपकी फैमिली भी काफ़ी खुश रहने वाली है इस वीक में और काफ़ी हंसी खुशी का माहौल रहने वाला है आपका, और दोनों ही एरिया में, चाहे आपका वर्क एरिया हो या आपकी फैमिली हो, पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ दोनों में काफ़ी अच्छा आपको तालमेल देखने को मिलेगा। वहीं आप दोनों जगह ग्रो करेंगे, आपके परिवार में भी जहाँ कोई परेशानी इस बार नहीं होगी इस वीक में, और वर्क एरिया में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि आप फाइनेंशियली काफ़ी अच्छा गेन करेंगे। जिन चीज़ों पे आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है अभी तक, उनके रिजल्ट्स इस बार आपके फेवर में आ रहे हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, आप देखेंगे कि कितना अच्छा ग्रो किया है आपके बिजनेस ने या स्टडीज़ ने, आप उस तरह का रिजल्ट पाएंगे जैसा आप सोच रहे थे। और अगर आप नौकरी भी करते हैं तो उसमें भी आपको काफ़ी अप्रिसिएशन मिलेगा और फाइनेंशियली भी आप उसमें काफ़ी गेन देखेंगे कि अच्छा कोई सैलरी पैकेज मिल सकता है या कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, और काफ़ी अच्छा वीक रहेगा ये प्रिंसेस ऑफ सॉर्ट्स। वहीं आप कुछ नई चीज़ें स्टार्ट करेंगे, जैसे आप अपने लिए भी कुछ अच्छा प्लान कर सकते हैं इस बार। और एम्प्रेस, वहीं आप दूसरों का भी बहुत ख्याल रखेंगे, दूसरे यानी आपके चाहे वो कलीग्स हों, आप उनके साथ भी काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हैं और फैमिली में भी आपका काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड होगा इस बार, और आप सबकी केयर करते हुए और खुशहाली के साथ समय बिताएंगे आप, चाहे वो आपका घर परिवार हो या बाहर हो। और इस बार आप काफ़ी सेटिस्फाई लग रहे हैं, अपने काम से भी सेटिस्फाई हैं और फैमिली के मेंबर्स भी आपके अकॉर्डिंग जैसा आप चाहेंगे वैसे ही बिहेव करते हुए अच्छे माहौल में आप टाइम बिताने वाले हैं, तो उससे आप काफ़ी रिलैक्स्ड महसूस करेंगे और काफ़ी फुलफिल महसूस कर रहे हैं। इस वीक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है और बस यही यह है कि थोड़ा आप जैसा प्रिंसेस ऑफ सॉर्ट्स एनर्जी है कि आप जहाँ नई बिगनिंग और ये सब चीज़ें आप अच्छा ग्रो करता हुआ कैरियर और अपनी फैमिली में हंसी खुशी देख रहे हैं, वहीं थोड़ा सा आप हो सकता है कुछ चीज़ों को लेकर ज़्यादा डिटरमाइंड हो रहे हैं इस बार, तो थोड़ा आप बॉसी एटीट्यूड रख सकते हैं, चाहे आपकी फैमिली हो या पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में आप थोड़े बॉसी एटीट्यूड में इस बार नज़र आ सकते हैं। तो यहाँ कार्ड्स आपके लिए ही एडवाइस कर रहे हैं कि जब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है तो आप उसको चलने दीजिए और
कोशिश कीजिए कि आप वैसे बॉसी एटीट्यूड आप नहीं रखेंगे, पर थोड़ा आप कोशिश कीजिए कि आप उसको फैमिली एटमॉस्फेयर जैसा ही रहने दें, चाहे वो घर हो या आपके कलीग्स हों। और आप काफ़ी अच्छी पोजीशन पे हैं तो ये बहुत अच्छा है, पर जैसे आप सबको साथ लेके चलते हैं तो और भी अच्छा है। वैसे आप इतने रिस्पेक्टिव हैं कि सब आपको समझते हैं और काफ़ी अच्छे इंसान हैं आप जैसा। इस बार तो आप सबके साथ अच्छा बिहेव भी करेंगे और सब अच्छा देख के आपका मूड भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है इस वीक में। तो बाकी सब तो अच्छा है, बस आप अपना यही ये है कि आप बहुत से एटीट्यूड रख सकते हैं थोड़ा, तो उसके लिए ये है कि आप सबको साथ लेके चलिए, चाहे आपकी फैमिली हो या प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ। और बाकी आपके लिए ये वीक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव आउटकम लेके आया है। यही था जिन्होंने ये चूज़ किया था। अब नेक्स्ट फाइल वालों के लिए हम देखते हैं कि क्या आया है, जिन्होंने ये चूज किया था उनके कार्ड्स ये हैं। जी, आप लोगों के लिए भी काफी अच्छे कार्ड्स आए हैं, जहां द चैरियट, किंग ऑफ सॉर्ड्स, टेम्परेंस, स्टार। आप लोगों के लिए भी काफी पावरफुल वीक है ये। वहीं इसमें किंग ऑफ सॉर्ड्स, द चैरियट, टेम्परेंस और द स्टार सारे बहुत मेजर अर्काना, टेम्परेंस, द स्टार, काफ़ी द चैरियट। आप काफ़ी कुछ करने वाले हैं इस वीक में और काफ़ी बड़े डिसीजंस लेने वाले हैं और उसके लिए आपको बहुत अच्छी हेल्प भी मिलेगी। किंग ऑफ सॉर्ड्स काफ़ी यंग और एनर्जेटिक पर्सन है ये, आपको कुछ एरिया में हेल्प करने के लिए आएंगे, चाहिए आपके कलीग्स हो सकते हैं या आपके फ्रेंड हो सकते हैं और फैमिली पर्सन भी हो सकते हैं, पर ये एज्ड नहीं है, मिडिल एज के हैं और बहुत ज़्यादा मैच्योर एज के नहीं हैं ये। काफ़ी अच्छी एडवाइस आपको इनसे मिलेगी। और द चैरियट, आप खुद भी काफ़ी वर्क एरिया में ग्रो करेंगे और इस बार आप ट्रैवल करने भी जा सकते हैं कहीं किसी स्पेशल पर्पस को लेके, और जिस भी पर्पस के लिए आप ये ट्रेवल करते हैं उसमें आप सक्सेसफुल होंगे, चाहे वो आप स्टडीज़ के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं या शादी वगैरह का प्रपोजल लेके कहीं जा रहे हैं या बिजनेस के लिए आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इस वीक में। और वहीं टेम्परेंस, आप काफ़ी बैलेंस रहेंगे, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बैलेंस को दिखाता है ये कार्ड, तो आप आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी काफ़ी अच्छा ग्रो करेंगे और पर्सनल लाइफ में भी आप काफ़ी अच्छा इंजॉयबल टाइम आप स्पेंड करने वाले हैं। विंग्स देख रहे हैं, एंजल ब्लेसिंग है आपके ऊपर। और वहीं द स्टार, इस बार हो सकता है आपकी क्रिएटिविटी बाहर निकल के आए, कुछ अच्छे क्रिएटिव आइडियाज़ आपको आएंगे, चाहे वो आपका घर परिवार हो या आप अगर स्टडीज़ करते हैं तो काफ़ी अच्छा उसमें परफॉर्म कर पाएंगे। और अगर किसी क्रिएटिव फील्ड एरिया से रिलेट करते हैं आप, जैसे एंटरटेन करना हुआ या ऐसा कुछ, डांसिंग, सिंगिंग, एक्टिंग, ऐसा कुछ करते हैं, ब्लॉग्स बनाते हैं, उन सब में आपको काफ़ी अच्छे आइडियाज़ आएंगे और वो काफ़ी अप्रिशिएट किए जाएंगे इस वीक में आपको। वहीं स्टार शाइन करेंगे, एक तरह से आप पे स्टार्स शाइन करने वाले हैं इस वीक में और काफ़ी अच्छा टाइम बीतने वाला है आपका और हेल्प भी आपको अच्छी मिलेगी, बहुत गुड एडवाइस मिल सकती है। वो किसी भी फील्ड से रिलेट कर सकते हैं, चाहे आपका फैमिली में कोई अच्छे एडवाइजेस आपको मिलेगी इस वीक में, और अगर स्टडी कर रहे हैं तो आपको कोई ऐसे पर्सन अच्छा आपको एडवाइस कर सकते हैं जो आपकी स्टडीज़ में आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देने में हेल्प करेगी। वहीं आप अगर बिजनेस भी करते हैं तो उसमें आपको कोई अच्छा पार्टनर भी मिल सकता है, बिजनेस पार्टनर, या ऐसा भी हो सकता है कि आपको उस बिजनेस में ग्रो करने से रिलेट कुछ अच्छी एडवाइजेस इस बार मिलने के पूरे चांस हैं। वहीं टेम्परेंस, आपका फैमिली में काफ़ी अच्छा टाइम बीतेगा, फैमिली मेम्बर्स के साथ आप अच्छा कोऑपरेट करके और लाइफ को एंजॉय करने वाले हैं इस बीच। और इस वीक में आपको एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं, आपका टाइम बहुत अच्छा चलने वाला है और काफ़ी लाइट हार्टेड रहेंगे और शुरू में आप थोड़ा काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, वहीं वीक के एंड तक आप काफ़ी रिलैक्स्ड रहने वाले हैं, क्रिएटिव वर्क करने वाले हैं और काफ़ी अच्छा टाइम बीतने वाला है इस वीक में आपके लिए, कहीं कोई ऑब्स्टिकल नहीं आया है। और
वहीं आप ये भी है कि जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड लोग हैं वो लोग भी काफ़ी अच्छा इस बार उनको रिजल्ट्स मिलेंगे और काफ़ी रिलैक्स्ड रहेंगे वो लोग भी। और वहीं कुछ लोग ट्रैवल भी करेंगे, कुछ कुछ चीज़ों को लेके आप जो अभी तक परेशान थे उन सब चीज़ों की परेशानी इस वीक में पूरी तरह से सॉल्व होने वाली है। और वीक के एंड तक आप काफ़ी अच्छे मूड में रहेंगे, खुश रहेंगे और लाइफ को एंजॉय करेंगे और स्टार्स आप पे शाइन करेंगे। इस बार आप पे गुड लक भी है आपके साथ, तो बहुत ही अच्छा टाइम बीतने वाला है आपका इस वीक में। और काफ़ी बैलेंस रहने वाले हैं और पेशेंस रखने वाले हैं आप, तो ये वीक आपके लिए बहुत कुछ अच्छा और पॉजिटिव लेके आया है। यहाँ कहीं कोई प्रॉब्लम आपके लिए नहीं आई है इस वीक में। तो यही था जिन्होंने ये चूज़ किया था, तो आज के लिए यही, इस वीक के लिए आपके लिए यही मैसेज था। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।